स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरादेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 प्रज्ञानां सुव्रतानयैः स्थिरचरनिकरा व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्मृति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमब्रह्मणं ब्रह्मयत्तन्नदोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक को उपनिषद पर विचार करते हुए अब जब इसका चौथा प्रकरण है पलाश शांति प्रकरण, उसके ऊपर विचार चल रहा है। पलाश शांति प्रकरण की आवश्यकता इसलिए हो गया कि ये वस्तु नहीं होते भी दिखाई कैसे देता है, इसको दृष्टांत प्रतिज्ञा वाक्य करके प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। वो दृष्टांत के रूप में भी है और दृष्टांत को देते हुए अन्नवादियों की जो सिद्धांत है थोड़ा थोड़ा उठा करके कि सृष्टि होना पारमार्थिक संभव क्यों नहीं है, जिन जिन वादियों ने सृष्टि माना उनकी सृष्टि की प्रक्रिया में उनके सिद्धांत के अनुसार गलत दिखा करके उन वादी को नए वो सशील दर्शन को भी वैसे है तुमने सृष्टि ऐसा माना तुम्हारे सिद्धांत में तुम्हारा सृष्टि की प्रक्रिया जो है खंडन हो जाता है तुम्हारी प्रक्रिया में, इस प्रकार से तुम स्पष्ट आया। तो यहाँ पे जो है पहले सांख्यवादियों के सिद्धांत सत्कार के बाद फिर न्याय सांख्य योग और न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत खंडन करके आपस में दोनों लड़ते हैं। वो कहते हैं सत से सत की उत्पत्ति हो गया था, असत से सत की उत्पत्ति होते हैं, हम अनुमोदन कर देते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि दोनों से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। पूर्व मीमांसा दर्शन है वो बोलते हैं नहीं नहीं कर्म और धर्माधर्म धर्माधर्म और शरीर किसी के साथ संस्कारों से सृष्टि होती है, शरीर सृष्टि रूप में है। तब पूछते हैं कौन पहले है, तो बस उत्तर चुप या फिर इसलिए इस प्रकार भी होना संभव नहीं। एक मान्यता देकर के हमको परम तत्व को समझाने के लिए श्रुति कहीं कहते भी है, तो मानसिक मान्यता है। फिर उसके बाद बौद्धवादियों को लेकर के बोलते हैं बौद्धवादियों में जो है शोत्रांतिक वैभाषिक भारी वस्तु को अस्तित्व मानते हैं, विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं भारी वस्तु है ही नहीं केवल सब विज्ञान मात्र, उसकी प्रक्रिया को वहाँ पर लगा करके पहले बाह्य अस्तित्ववादी को खंडन कर देते हैं। अपने सिद्धांत से नहीं विज्ञानवादी अब विज्ञानवादी के सिद्धांतों को तो उन्हीं के सिद्धांतों को द्वारा खंडन कर रहे हैं। विज्ञानवादी के जो सिद्धांत है वस्तु जो उत्पत्ति होता है प्रतिभास मात्र है, वास्तविक नहीं है, विज्ञानी है। तो ये जो तुम कहते हो कि विज्ञान के चित्त उत्पन्न होता है तो ये भी प्रतिभाषी होगा, जिस प्रकार घट उत्पन्न नहीं हुआ मतलब तुम घट ज्ञान को सत्य मानते हो और घट ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो। तो पहले कह करके आया जो उत्पत्ति होते हैं प्रतिभास मात्र है, तो जो घट घट ज्ञान की उत्पत्ति हुई ये भी तो प्रतिभास है, ये भी तो प्रतिभास है। अब देखिए जिस प्रकार रज्जु में हमारे सर्प की भ्रांति हुई, हम सर्प को ज्ञान हो रहे वहाँ पे, वो सर्प है क्या, वो मिथ्या ज्ञान है, तथा का नहीं है जहाँ थे वो लोग। इसलिए हम पहले वैतत्व प्रकरण अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् है, वहाँ पे क्या बोला था कि स्वप्न अवस्था में जो भी वस्तु दिखाई देता है वहाँ पे नहीं होती है, और अभावश्च चकार के तरह क्या है, इसीलिए उस वस्तु का जो ज्ञान होती है वो भी परमार्थिक नहीं, वो प्रतीति मात्र है।
है ना, ये बोल कर कैबल चाहते प्रवेश चौथा पांचवा श्लोक में आया था। तो यहाँ भी उनको बोल रहे हैं तो बाहरी अस्तित्व पारमार्थिक नहीं तो हम भी मानते हैं, अपन तो तुमने जो विज्ञान की माना विज्ञान को चित्त मतलब विज्ञान विषय रूप में जानते चित्त दृश्य उत्पन्न होता है वो भी पारमार्थिक होना संभव नहीं है तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार, हम अपने सिद्धांत को नहीं बोलते। और बाकी शून्यवाद को तो कहना क्या है, सारा चीज दिखाई देते हुए भी वो कहते हैं शून्य है, तो यदि शून्य है अपने अस्तित्व की शून्य मानते हो क्या, जो देखने वाला है वो भी शून्य होगा। उनके सिद्धांत तो क्या है हमारे मुक्ति की मतलब ये शून्यवादी होगा। अंतिम क्षण में वो एक क्षण में जगत की शून्यत्व तो वो अनुभव करते हैं, अनुभव करके अपना भी शून्यत्व तो अनुभव करते हैं, एक ही क्षण में इतना सारा होता है। तो मुक्ति का आनंद किसको होगा, ये जो है भाई विचित्र सिद्धांत है। तो जैसे भी भगवान बुद्ध जगत और अपना दोनों को शून्य उपलब्धि करते हैं, हाँ अंतिम क्षण में शून्य शून्य विचार करते करते मुक्ति के अंतिम क्षण में कि जगत कुछ शून्य करके अनुभव करते हैं, उसी क्षण में अपना शून्यत्व के बोलते अनुभव करते हैं। अरे भाई शून्यत्व को आप खुद जरा सोचे, इसको जो अनुभव कर रहा है वो अनुभवकर्ता शून्य यदि तुम्हारा कथन सत्य नहीं हो पाएगा यदि वहाँ पर कोई अनुभवकर्ता नहीं रह जाता है, किसी व्यक्ति ने देखा आप कहोगे तब तो उसकी प्रामाणिकता है। अब जब वो व्यक्ति है ही नहीं तो शून्य कहाँ सिद्ध होगा, शून्य को सिद्ध कौन करेगा, वो कोई तो है नहीं वहाँ पे स्वयं को सिद्ध। वेदांत को भी अगेंस्ट में बोल सकते हैं जो ब्रह्म का साथ लीन हो गया, हाँ? तो वो कौन है, तो लीन हो गया वो तो नहीं है वो, बात क्या है पहले भी वो ब्रह्म से अलग नहीं था, वो तो आपने अज्ञान से मान लिया था। अब क्या हुआ आपका वो जो भिन्नता की जो वृत्ति थी मनोवृत्ति थी वो भिन्नता की मनोवृत्ति को आपने साधन द्वारा बंद कर दिया, बस आपके एक तो पहले से भी है आपने भिन्न कभी हुआ ही नहीं, और ये कोई विषय मनोभाव नहीं होता, अस्तित्व की अनुभूति होती है व्यापक आता की, इससे क्या होता है दुख भी निवृत्ति होती है, और जो भी घूमता सुखम अपनी पूर्णता से सुख की अनुभूति होती है। ये तो मतलब वेदांतिक सिद्धांत बहुत विचार करके बनाया, नहीं तो यदि मुक्ति का भी उत्पादी अभी आगे आने वाला श्लोक कई सिद्धांत हुई थी, मुक्ति ऐसे किसी निमित्त को लेकर उत्पत्ति हुई होती तो अब वो मुक्ति की आशा करने का कोई लाभ नहीं है, उससे सर्वदा सुख हो। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने ये पढ़ लिए थे श्लोक पे एक बार पढ़ेंगे, ये हमारे प्रतिज्ञा है तस्मात, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति आपको लग रहा है वे प्रतिभास मात्र है, इसलिए चित्तम न जायते, आपको घट दिखाई दे रहा है घट प्रतिभास मात्र है, जब घट ज्ञान भी दिखाई दे रहा है एक कदम आगे और आ जाओ वो ज्ञान भी प्रतिभास है, विज्ञान भी प्रतिभास है, क्यों चित्त दृश्य न जायते, क्योंकि उस घट ज्ञान को भी तुम जानते हो, जो चित्त के द्वारा देखा जाता है उसको उत्पत्ति तुम नहीं मानते, तुम्हारे सिद्धांत चित्त छोड़ना चाहिए। अब इस अवस्था में भी ऐसा मान्यता देने के बाद भी यदि तुम कहते हो कि नहीं नहीं मुझे दिखाई पड़ता है, तो अब क्या दिखाई पड़ता है कि आकाश में चिड़ियों के पद चिन्ह की तरह दिखाई पड़ता है, नहीं देखते भी प्रतिज्ञा करते हुए दिखाई पड़ता है, ये तुम्हारी कथन हो जाएगा। इसलिए होता है तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पदम। इसके ऊपर हम लोगों ने टीका भी दो चार लाइन पढ़ लिए थे ना, वैयर्थवादी पक्षम एवं विज्ञानवादी मुख्य ने प्रतिक्षिप्य विज्ञानवादम इदानीम अपवदत, बाह्य अस्तित्ववादी पक्ष को विज्ञानवाद के माध्यम लेकर के उसको खंडन करके विज्ञानवादी पक्ष को खंडन करते हैं, परंतु विज्ञानवादी खंडो कैसे खंडन करते हैं, उन्हीं के सिद्धांत से खंडन करते हैं, ये जो है हेतु दिया चित्त दृश्य न जायते हेतु है, वो प्रतिज्ञा हेतु है, प्रतिक्षणम विज्ञान से जन्म दृश्य, देखो तुम्हारा सिद्धांत क्या है प्रत्येक क्षण में विज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी क्षण में नाश होता है, और जिसकी उत्पत्ति होती है आपने क्या कहा वो एक प्रतिभास मात्र है, तो जब घट ज्ञान उत्पत्ति हुई आपकी तो भी एक प्रतिभास मात्र होगा, तो विज्ञान कहाँ सत्य वस्तु हो सकता है, घट भी दिखाई दे रहा है सामने घट नहीं है घट, अब ठीक है घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान भी तो उत्पत्ति हुई आपकी तो भी नाश होगा, वो मतलब आभास होगा मात्र, वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। प्रतिक्षणम विज्ञानस्य जन्म दृश्यते, हर क्षण विज्ञान को उत्पत्ति होते दिखाई पड़ते हैं, विज्ञानवादी भी उनको इसके उन लोगों के द्वारा ऐसे यदि आशंका तस्य पश्यन्ति, यदि इस प्रकार प्रत्येक क्षण में उत्पत्ति और नाश हो रहा दिखाई पड़ते हैं और उसी को तुम पारमार्थिक मानते हो सत्य मानते हो, तब क्या हो जाएगा
आकाश में चिड़ियों के पदचिन्ह देखने के समान हो जाएगा। आप बोलते हैं वृत्त संकीर्तन पूर्वकम श्लोकस्य तात्पर्यम आह, है ना, पहले क्या कथन करके आया उसको एक लाइन में बोल करके अब श्लोक के तात्पर्य को कथन करना चाहते हैं कौन वृत्त संकीर्तन पूर्वक वृत्त मत जो घटना घट गया जिसको कथन कर गया उसको संकीर्तन उसको संबंध उससे कथन करके फिर श्लोक का सतात पर श्लोक के तात्पर्य को कहते हैं क्या बोलते हैं प्रज्ञप्ति स निमित्तम इत्यादि। मतलब आप देखिए वो क्या बोलते हैं कि 25 से लेकर के 27 नंबर श्लोक तक क्या किया 25 से 27 नंबर श्लोक के द्वारा बाह्य अस्तित्ववादी पक्ष को विज्ञानवादी ने खंडन किया। उसने क्या बोले थे युक्ति दर्शनात् और वेदांती क्या बोलते हैं भूत दर्शनात्, है ना, वो तो क्या हो गया बौद्धवादी जो है ना वो वेदवादी नहीं है वो नास्तिक दर्शन है असल वैदिक सिद्धांत को मतलब क्या होगा वो अपना युक्ति लगाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि जो सृष्टि होना संभव नहीं है युक्ति पूर्वक वेदांती बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारा कथन सही है परंतु युक्ति के कारण नहीं भूत दर्शनात् यथार्थ दृष्टि के कारण यहाँ तक पहले बोल करके आया ना इसलिए आप बोलते हैं प्रज्ञप्ति स्वनिमित्तम इत्यादि। प्रज्ञप्ति स्वनिमित्तम कहाँ से आया आपका 25 प्रज्ञप्ति स्वनिमित्तम इष्यते युक्ति दर्शन वेदांति का निमित्त स्वनिमित्त इष्यते भूत दर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के इत्यादि एक अंत मतलब इसके पहले तक 27 तक, ठीक है ना, विज्ञानवादिन बौद्धस्य विज्ञानवादी बौद्ध का जो कथन है विज्ञानवादिन बौद्धस्य षष्ठी वचन है विज्ञानवादिन, है ना, विज्ञानवादी बौद्धों का जो कथन है वो क्या कथन है वो कथन किसकी है बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध परम आचार्येन अनुमोदितम। बाह्यार्थवादी बाहरी विषय सत्य है इस प्रकार मानने वाले जो पक्ष है उस पक्ष को खंडन करने के लिए प्रतिषेध पर उसका निषेध करने के लिए जो विज्ञानवादी ने कहा आचार्य जी ने अनुमोदितम कौन यहाँ आचार्य शंकराचार्य जो बोल रहे हैं गौर पर आचार्य ने इसका अनुमोदन कर दिया हम ठीक बोल रहे हमें एक असर कहना भारी होते हम उत्पत्ति हुई नहीं। इसने बोलते हैं प्रज्ञप्ति स्वनिमित्तम इत्यादि यहाँ से लेकर के एतद् अंतम यहाँ तक मतलब इसका पहले रहता था विज्ञानवादी न बौद्धस्य विज्ञानवादी बौद्ध का वचन मतलब उसका जो कथन है वो कथन क्या है बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध पर वो बाहर अर्थ को सत मानने वाले जो पक्ष है उस पक्ष को निषेध पर प्राप्त है। ये जो उन लोगों ने विज्ञानवादी जो कहा वो आचार्य के द्वारा अनुमोदन किया गया कौन गौर पदाचार्य से होता है आचार्य अनुमोदितम। अच्छा आगे क्या बोलते भाष्य पढ़ लेते हैं तद एवं हेतु कृत्वा उसने जिस कथन जिस हेतु के द्वारा बाह्य अस्तित्ववादी को खंडन किया उसी को ही हेतु बनाया। जिस हेतु के द्वारा तुमने बाह्य अस्तित्ववादी विषय को खंडन किया उसी को ही हेतु बना करके विषय ज्ञान को भी मिथ्या सीधा हो जाएगा। हमने अपना कोई युक्ति नहीं दिया तुम्हारी युक्ति के द्वारा ही तुमको जो है कथन खंडन करते तद एव हेतु कृत्य तद एव मतलब उन्हीं की हेतु को जिस हेतु के द्वारा उसने विज्ञानवादी बौद्ध का सॉरी बाह्य अस्तित्ववादी वादियों का बौद्धों का बाहरी वस्तु का अस्तित्व नहीं है खंडन किया उसी युक्ति के द्वारा तत् पक्ष प्रतिषेधाय तदेव हेतु कृत्य तत्पक्ष मतलब विज्ञानवादी पक्ष विज्ञानवादी पक्ष प्रतिषेध है तब इदम उच्चते भगवान भाष्य के द्वारा मतलब अरे कहता है ऐसा कहा जाता है तस्मात इत्यादि है ना तस्मात मूल में है तस्मात ना जायते चित्तम चित्त न जायते ये हमारा ये इसलिए इस कारण से घट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती क्यों चित्त दृश्य क्योंकि घट ज्ञान को तुम जानते हो चित्त दृश्य की उत्पत्ति होना वस्तु होना यथार्थ घट ज्ञान भी यथार्थ नहीं है क्यों तुमने घट यथार्थ नहीं है आभास बोला क्यों चित्त दृश्य न जायते यहाँ भी चित्त दृश्य है तो इसलिए वो बीजा उत्पत्ति नहीं होगा जो युक्ति तुमने दिया तो वही हम तुमको बोल रहे जता दिन हम उच्चते तस्मात इत्यादि यस्मात देखो अपने आप लिख रहे हैं तस्मात शब्द का अर्थ करते यस्मात असति एव घटादो घटादि आभासता चित्तस्य विज्ञानवादिना अभ्युपगता, ठीक है। देखो तुमने क्या माना यस्मात क्योंकि असत्य एवं घटा दो घट आदि वस्तु नहीं होते हुए भी घट आदि आभास था चित्तस्य चित्त क्या होता है विज्ञान जो है घट आभास प्राप्त करते हैं घट को दिखाई पड़ते हैं घट आभास
विज्ञानवादी विज्ञानवादी बौद्धों के द्वारा अभ्युपगता माना गया है, माना गया है। तद अनुमोदितम अस्माभिर अपि, आपने जो युक्ति दिया वो हम लोगों के द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया। अपि क्यों भूत दर्शन, तुमने युक्ति कर दिया क्योंकि तुम वेद को मानते नहीं हो। हमने वेद शास्त्र में जैसा कहा उसको अनुसरण करते यथार्थ दृष्टि से। मैं हमारे यहाँ पे सिद्धांत तो क्या है कि देखो जैसे रज्जु के ऊपर सर्प ज्ञान ये भ्रांति ज्ञान है, इसी प्रकार जो धागा को रज्जु समझना ये भी एक भ्रांति ज्ञान है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि मूल कारण सदैव सुमित मृतिका इत्येव सत्यम सदैव सत्यम, तो इस सत को जो है नदी पाकार आदि को समझ लेना ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो हमारे जन्मांतरी वासना से आता है। जन्मांतरी वासना कहाँ से है, हमने सृष्टि को व्यवहारिक मान्यता दी। अब यहाँ पे बोलते हैं तद अनुमोदितम अस्माभिः भूतदर्शनात्, हम लोगों के द्वारा उन लोगों के सिद्धांत को मान्यता दिए गए हैं क्योंकि शास्त्र के आधार भूत यथार्थ दृष्टि के कारण। यथार्थ दृष्टि में क्या बोला, जैसा रज्जु के ऊपर सर पर भ्रांति से दिखाई दे रहा है उसी प्रकार मृतिका भी, मृतिका को ही तुम खरा समझ रहे हो, मृतिका ही है। ठीक है, ये भ्रांति दर्शन है। तुम अपनी वासना मतलब खरा की उपयोगिता को देख करके मृतिका को खरा समझ करके व्यवहार करते हो। भूत दर्शन यदि होगा मृतिका मृतिका ही है, कुछ देर के लिए व्यवहार के लिए उपयोगी बन गया। अलंकार को आपका आभूषण के लिए व्यवहार करते अलंकार दृष्टि होते हैं, परंतु हम तो शुगर नहीं सकते है ना। इसी प्रकार से ये भूत दर्शन हो गया, आपकी बाहरी वस्तु नहीं है वो प्रतिभाषी का, ये हमने मान्यता ले लिया। तस्मात तस्यापि चित्तस्य, अब क्या होगा क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होता है वो तुमने बोला आभास है, अब तुम्हारा चित्त में क्या हुआ घट ज्ञान उत्पत्ति थी, तो घट ज्ञान क्या आभास होगा, इसीलिए घट विज्ञान घट ज्ञान इसलिए बोलते। जैसा तुमने बोला उससे एक कदम और आ गया, तुम वहां पर रुक क्यों गया, वेदांत क्या बोल रहा तुम वहां पे क्यों रुक गया, क्योंकि पहले से आपने सिद्धांत बना लिया विज्ञान सत्य है इसलिए तुम उसको आगे नहीं। यही विज्ञान घट रूप में उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पत्ति एक आभास है, यदि यही तुम्हारी मान्यता तो घट घट ज्ञान की उत्पत्ति को आप आभास क्यों नहीं मान पा रहे हो, इसलिए एक कदम आगे आ जाओ तुम्हारा युक्ति यहाँ पर घट जाएगा। तस्मात तस्यापि चित्तस्य, इसलिए तस्मात मतलब चित्तस्य घटादि रूप वस्तु आभासत्वात्, आपके पुस्तक में क्या लिखा है जायमान 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 अवभाषता असत्येव जन्मनि, इतना लंबा चला है पेज 290 नहीं, हमें एक नंबर टिप्पणी बोल रहा हूँ तस्मात ऊपर तस्मात ऊपर क्या टिप्पणी चित्तस्य घटादि रूप रूप वस्तु आभासत्वात्, वस्तु आभासत्व हाँ यहाँ पे आप एक गौकार अधिक है, देखो जरा क्या लिखा है वहाँ पे घटादि रूप उसके बाद वो है एंडिंग पुरस्कार नहीं है हमारे पुस्तक में, पुराने पुस्तक को देख करके ये जो वकार आया हुआ है ना वो पहले आ जाए घटादि रूप वस्तु आभासत्वात्, वस्तु में वहां पे वकार आएगा उकार था आकार आया ये कौन सी लग गया वस्तु आभासत्व, नेक्स्ट ब में ही होगा हाँ जो स्व के बाद वस्तु के बाद एक वकार है वो वकार क्या हो जाएगा वो पहले आएगा वो रूप नहीं वो पहले तो ब है आपका पास हमारे पुस्तक में नहीं था ये कहता है चित्तस्य घटादि रूप वस्तु ठीक है वस्तु तो भी असुविधा है तो पुराने आभासत्वात् उस समय प्रतीत तस्मात् चित्तस्य चित्त ही जो है घटादि रूप वस्तु के रूप में प्रतीति होती है चित्त से भिन्न कई तुम्हारी मान्यता है और वही चित्त जब मतलब क्या हो गया घट घट ज्ञान भी तो वही चित्त चित्त उसको भी तुम देख रहे बोलते हैं चित्त से तस्मात क्योंकि चित्त से घटादि रूप वस्तु आभासत्वात् अथवा अवभाषत्वात् तस्यापि चित्तस्य तस्यापि चित्तस्य असत् असत् अवभाषत्वेन, तब यहाँ पर टिप्पणी का अवभाष लिखते हैं तो वहाँ पर अवभाष भी रख सकते हैं हम असत्
अवभाषत्तेन विज्ञानवादी अभिमतस्य अपि चित्तस्य इति अर्थ तस्यापि चित्तस्य उस चित्त का भी मतलब विज्ञान चित्त मतलब यहाँ पे विज्ञान का भी तो गट ज्ञान असत अवभाषा वो भी एक असत अवभाष है असत अवभाषत्तेन वो भी एक यथार्थ ने एक अवभाष मत न विज्ञानवादी अभिमतस्य अपि इसीलिए विज्ञानवादी के अभिमत से ही वो चित्तस्य क्या हो जाएगा वो अभभाष मात्र है पारमार्थिक नहीं है चित्तस्य भी तस्यापि चित्तस्य तस्यापि मतलब विज्ञानवादी अभिमतस्य तस्यापि मतलब विज्ञानवादी अभिमतस्य अपि चित्तस्य विज्ञानवादी अभिमतस्य अपि चित्तस्य अब हम पहले क्या मतलब असत अवभाषत्तेन वो विज्ञानवादी का जो चित्त है मतलब विज्ञान है वो आपको विषय रूप में दिखाई पड़ता है वो भी असत अवभाष होगा इस प्रकार जो चित्त जो असत अवभाष वाला है उस चित्त का पहला शब्द का अर्थ क्या हो गया क्योंकि घट को आपने एक प्रतीति मात्र कहा क्योंकि उत्पत्ति हुए दिखाई पड़ते हैं इसीलिए घट ज्ञान के उत्पत्ति हुए जो आपको दिखाई पड़ते हैं इसीलिए उसी वो भी एक असत अवभाष होगा इसीलिए बोलते हैं विज्ञानवादी अभिमत इसलिए विज्ञानवादी का अभिमत जो चित्त है वो भी एक अवभाष मात्र है वो भी एक अवभाष मात्र है इसलिए बोलते हैं तस्मा तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभाष होता है देखिए क्या उत्पत्ति है उत्पत्ति होते दिखा जायमान अवभाष होता है उत्पत्ति है वो एक अवभाष है असत एव जन्मनि मतलब चित्त को उत्पत्ति नहीं होते हुए भी उसकी उत्पत्ति हो रहा है जैसे प्रतीति प्रतीति हो रही है ठीक है इसलिए शब्द को सटीक से देखिए तस्मात किस क्या कि चित्तस्य घटादि रूप वस्तु अवभाष रूपत्व चित्त घट 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 रूप में देखते पड़ता है अब एक कदम आगे आ जाओ घट ज्ञान में वो भी तो जायमान है तो भी प्रतीति हो गया इसीलिए बोलता है तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभाषत है ना जो उत्पत्ति हो रहा है जैसे प्रतीति हो रहा है असत्य एव जन्मनि मतलब घट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होते हुए भी घट ज्ञान की उत्पत्ति हुआ जैसा आपको लगता है विज्ञान की युक्ता भवितुम यही कहना युक्ति संगत होता है भवितुम युक्ता यही होना युक्त है तत न जायते चित्तम इसीलिए चित्त की उत्पत्ति होना संभव नहीं है इसे चित्त तीन नंबर टिप्पण में जायमान अवभाषता इति जायमानत्व अवभाषते मतलब वहाँ पे जायमानत्व धर्म है वहाँ पे जायमानत्व धर्म होने के कारण वो एक अवभाष है जैसे तुमने पहले कहा तो यहाँ भी वैसे ही हो जायमान और जायमानत्व मतलब इसमें घट और घटत्व इसी प्रकार जायमानों में जायमानत्व धर्म वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है घट ज्ञान में भी जायमानत्व धर्म दिखाई पड़ रहा है इसलिए घट ज्ञान भी एक आभास होगा अवभाष होगा वो प्रति पारमार्थिक नहीं है इसलिए विज्ञान पारमार्थिक नहीं है तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभाषता असत्येव जन्मनि वो तो घट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होते हुए भी वो उत्पत्ति हुआ जैसा आपको प्रतीति हो रहा है युक्ता भवितुम यही कहना युक्ति संगत होगा इत्ततो न जायते चित्तम श्री तस्मात् न जायते चित्तम यह तक क्या अर्थ हो गया तस्मात् न जायते चित्तम मतलब एक नंबर तस्मात् दो नंबर तस्यापि चित्तस्य मतलब विज्ञानवादी अभिमतस्य अपि चित्तस्य ठीक है ना विज्ञानवादी अभिमत क्या है असत अवभाषत्य चित्त असत ये उसका अभिमत है और जायमान अवभाषता मतलब जायमान रूप धर्म वहाँ भी बैठा हुआ है कहाँ पे बैठा है चित्त दिख घट ज्ञान में भी जायमान धर्म बैठा हुआ है घट विज्ञान में श्री होता है असत एव जन्म ने युक्त भवित हो इसलिए जन्म नहीं होता हुआ भी वो प्रतीति हो रहा है ऐसा क्या नहीं तुम्हारे सिद्धांत कौन से युक्ति संगत होता है इसलिए तस्मात् न जायते चित्त यहाँ तक हो गया जथा दृष्टांत देना पड़ेगा आपको इतना प्रतीक है जैसे तुमने कहा चित्त दृश्य न जायते तो जथा चित्त दृश्य न जायते ये तुम्हारी बात को रही है जैसे चित्त की तरह देखा गया वस्तु घटपट आदि इसकी उत्पत्ति नहीं होती बाहर है नहीं हो वो चित्त ही उस रूप में दिखाई पड़ता है आप दृश्य न जायते कौन सा चित्त दृश्य न जायते हाँ ये हेतु है हेतु दे रहे हो बिल्कुल हेतु है इसलिए बोलता है जथा चित्त जैसे जैसा चित्त दृष्टान दृष्टान्त के साथ उसके हेतु दे दिया जैसा तुमने कहा दृष्टान्त तथा बोल रहे दृष्टान्त है क्या कहा क्योंकि चित्त की तरह देखा जाता है जो वस्तु उसको वो आभास है अतः तस्य चित्तस्य ये जाति इसलिए जो चित्त का उत्पत्ति होना संभव नहीं है एक आभास मात्र है इस प्रकार के चित्त का विज्ञान की क्षण क्षण में उत्पत्ति होना फिर दुखित्ववादी और फिर नाशनाश हो जाना ये सब जो देखता है वो क्या देखता है आकाश में चिड़ियों की प्रदर्शन में देखता है एक वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु की विद्यमानता और समझने वाले वस्तु की विद्यमानता चाहिए किसी वस्तु में क्या धर्म है इसीलिए उस वस्तु की विद्यमानता कम से कम उत्पत्ति होने के बाद एक क्षण दो क्षण तो चाहिए और एक समझने वाला व्यक्ति भी चाहिए
इसलिए वेदांति के लिए जो बोलते हैं कि जगत मिथ्या है तो व्यवहार करता है, बोलते बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति में मनुष्यत्व तो है कि नहीं है समझने के लिए वो व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, इस व्यक्ति में मनुष्यत्व रूपी धर्म है कि नहीं है इसको समझने के लिए उस व्यक्ति को हमारे सामने चाहिए, व्यवहार करते पता लगता है। इसीलिए अब हम बोलते हैं मनुष्यत्व तो नहीं है, ये तो मनुष्यत्वहीन व्यक्ति है, कैसे बोल रहे हैं, फिर उसके साथ व्यवहार करके देखा। इसीलिए जगत रहने पर ही इसका मिथ्यात्व तो सिद्ध होता है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। असत और मिथ्या की भिन्नता को नहीं समझ पाते हैं, हम जगत असत नहीं बोलते हैं, जगत मिथ्या बोलते हैं। अब इस जगत में मिथ्या बोलते हैं तो उसमें मिथ्यात्व को समझने के लिए जगत की विद्यमानता की आवश्यकता है, प्रतीति की आवश्यकता है। असत मतलब जिसका विद्यमानता नहीं, मंधा पुत्र आकाश कुसुम ये सब, इसलिए आप बोलते हैं ये तुमने युक्त दिया यथा चित्त दृश्य न जाए विचार नंबर टिप्पणी चित्त दृश्य सत अद्वय चित्त दृश्य नीलादि कटादि कुछ भी आपको लिए इस प्रकार चित्त दृश्य मतलब भेद रहित विद्यमान जो चित्त है और दृश्य रूप में उसका जो दृश्य चित्त का दृश्य चित्त दृश्य है ना उसका जो दृश्य मतलब उसके द्वारा क्या दिखाई देता है नीलपित आदि घटपट आदि ये सब जो है जैसे उत्पत्ति नहीं होता प्रतीति मंत्र इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि चित्त दृश्य ना जाए और जो ज्ञान आपको होता है वो भी आपका चित्त से इस प्रकार चित्त दृश्य निर्विदा सत मतलब विद्यमान रहते हुए भेद रहित चित्त उस भेद रहित चित्त में जो आपने अलग अलग प्रकार की भेद देखते हो घटभेद आदि उत्पत्ति होता है वो जो है वो सही नहीं है। चित्त दृश्य न जायते अतः इसलिए तस्य चित्तस्य यद्यपि वहाँ उत्पत्ति होना संभव नहीं है। आप वहाँ पे क्या बोलते हैं विज्ञान को सत्य माना, विज्ञान भी उसने अपना आत्मा मान लिया, इसलिए उस चित्त का जे जाति पश्यति आपने स्वयं कहा कि चित्त दृश्य उत्पन्न होना संभव नहीं, आप फिर क्या कहते हो उसकी उत्पत्ति नहीं। इसलिए बोलते जे जो लोग उसकी भी उत्पत्ति देखते हैं जाति जे जाति पश्यति कौन है वो लोग विज्ञानवादी न, और उसमें और क्या देखते हैं क्षणिकत्व दुखत्व शून्यत्व अनात्मत्व आदि ये जो उसमें जो वस्तु एक क्षण भी नहीं टिकता उसके अंदर क्षणिकत्व तुम कैसे निर्णय करोगे और निर्णय कौन करेगा, निर्णय करने वाला भी क्षणिक है, फिर वो दुखी उसमें दुख रूपी धर्म है दुखित्व तो है कैसे पता लगेगा, जब उसके साथ व्यवहार करेगा तब नहीं पता लगेगा। फिर कोई उसके आगे वाला ये हो गया विज्ञानवादी और उसके बाद जो है शून्यत्व, फिर एक बात उसके पीछे वाला क्या बोलता है नहीं नहीं वो शून्य विज्ञान है ही नहीं अनात्मा, तो ये अनात्मा भी है। फिर एक विज्ञानवादी बोलते तो विज्ञान को आत्मा माना था, ये बोलते हैं आत्मा शून्य है शून्यत्व आत्मत्व आदि उसी विज्ञान को उसी विज्ञान शून्य है मतलब विज्ञान और विज्ञान अनात्मा भी है कैसे निर्णय करोगे आप। इसका चार धर्म बोला यहाँ पे क्षणिकत्व दुखित्व ये विज्ञानवादी बोलते हो सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ऐसा बोलते हो, तो यहाँ पे क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व ये दोनों शून्यवादी ये शून्यवादी जो आत्मा क्षणत्व आत्मवादी च फल तो क्या हो गया तेन एव चित्तेन चित्त स्वरूपम द्रष्टुम अशक्यम, तब क्या हो गया किसी उसी चित्त के द्वारा आप अपने चित्त को देख रहे हो जो संभव है क्या, कर्ता कभी कर्म बन सकता है, दृष्टा कभी दृश्य बन सकता है, दृष्टा कभी दृश्य बन सकता है नहीं बन सकता, हम अपने आप अपने को विषय नहीं कर सकते, परंतु क्या बोलते हैं विज्ञान विज्ञान को विषय करता है और वो क्षणिक है विषय कब करेगा, देखने वाला भी क्षणिक और जिसको देख रहे हो भी क्षणिक, एक अलाय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान भेद कर लिया आपने वो भी ठीक है, अब वो भी क्षणिक ये भी क्षणिक, मैंने इसको देखा मैंने आपको देखा तो इस कथन को करने के लिए देखने का बार बार क्षण में हमको रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, वो तो है नहीं, तो कैसे कह सकते हो कुछ, तुम्हारा सिद्धांत शून्य हो जाएगा कुछ कह नहीं पाओगे। इसलिए बोलते हैं तेने व चित्ते न उसी चित्त के द्वारा पाँच नंबर टिप्पणी में तेने व जन्मादिना विकल्पिते न एव जिस चित्त में आपने विकल्प उठाया क्या जन्म हुआ क्षणिक हुआ ये सारा जो विकल्प किया आपने जन्मादिना विकल्पिते नैव चित्तेन तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपम चित्त उसी चित्त के द्वारा उसी चित्त का स्वरूप को
तेनेव चित्तेन चित्त स्वरूपं द्रष्टुम अशक्यम्, जिसको देखना विषय रूप में जानना संभव नहीं है। द्रष्टुम अशक्यम् वो लोग पश्यन्त, उसको देखते हुए, ये प्रथमा वो है पश्यन्त, पहले से बोले पश्यन्त खेपि पश्यन्ति ते पदम पक्ष्यादीनां, वो देखना कैसे हो जाएगा, वो लोग आकाश में चिड़ियों की पदचिन्ह की देखने की तरह वो उसको देखते हैं, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तेने वह चित्ते न, उसी चित्त के द्वारा जो जन्मादि जन्मनाशन के सब उसी चित्त के द्वारा चित्त स्वरूपम दृष्टुम अशक्तम अपि, हम अपि पद अपने से जोड़ रहे, मतलब दृष्टा के द्वारा दृश्य बनना कभी संभव नहीं है, बहुत सूक्ष्म वस्तु है ये, यदि दृष्टा कभी दृश्य बन जाए ना तो कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा, दृष्टा यदि दृश्य बन गया तो कोई दृश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए दृष्टा का दृष्ट रहने दो तब दृश्य सिद्ध हो पाएगा, तो उसको भी शून्य मान में कौन सिद्ध करेगा, इसलिए यहाँ पे ये जाति चित्त स्वरूप दृष्टुम अशक्य पश्यन्त, जो चित्त स्वरूप को देखना संभव नहीं है उसको देखते हुए क्या देखते हैं, खे पक्षादि नाम पदम ते पश्यन्ति, ते खे पक्षादि नाम पदम पश्यन्ति, वो लोग आकाश में चिड़ियों आदि का पद चिन्ह को देखते हैं, वही का मतलब निश्चित मतलब ऐसा कथन हो जाएगा, अवधारण अर्थ में उनका कथन क्या व्याख्यान दोष से जुड़ा हुआ है कि जिसको देखा नहीं जा सकता है तुम उसको देख लोगे, इतना तुम्हारा ही मतलब दृष्टि शक्ति सूक्ष्म हो गया, ऐसा हो जाएगा जो होना संभव नहीं, ऐसा तुम कर दो। जो चित्त विज्ञान घट ज्ञान के रूप में उत्पन्न वही चित्त घट को देखेंगे कैसे हो सकता है, तब यदि ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा, खे वही पश्यन्ति ते पदम, उसका अर्थ कर दिया ते, मतलब वो लोग क्या हो जाएगा कि खे के मतलब आकाशे पक्षादि नाम पदम, चिड़ियों की पद चिन्ह को पश्यन्ति वो लोग देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। अतः इतरेभ्यो अपि दैतेभ्य अत्यंत साहसिका इति अर्थ, अतः इसलिए मतलब जो देखना संभव नहीं है उसको हम देख लेते हैं, इस प्रकार प्रतिज्ञा करने का मतलब क्या है, अन्न जो वैन वैन अर्ध वैनाशिक न्याय वैशाषिक उससे भी अधिक हिम्मत वाले है, उससे जो असाहसिक है असत उत्पत्ति मानते हैं वो तो अर्थ, और ये लोग क्या है कि जो है ही नहीं उसको भी देख लेते हैं, ये और अधिक साहसिक जो देखना देखा देखने योग्य वस्तु नहीं है उसको देखा मैंने ऐसा अभिमान करने वाला है ना, यहाँ पे क्या बोला दर्शन अनर्ह, मतलब जो दर्शन के योग्य नहीं है उसको दृष्टित्व अभिमान, उसमें दृष्टित्व अभिमान, मैं उसको देखा, देखने योग्य वस्तु जो नहीं है उसको हमने देखा, इस प्रकार अभिमान करने हैं, इसलिए क्या अतः इसलिए इतरेभ्य दैतेभ्य, इतर दैतेभ्य मतलब जो हमारा न्याय वैशेषिक आदि वो लोग क्या बोलते हैं कि असत उत्पत्ति होते हैं उससे भी अधिक हिम्मत वाले हैं, तभी वो कहते हैं क्या कहते हैं कि जो नहीं देखा जाना संभव है उसको भी देख लेते हैं, ऐसा कहते हैं। ये अभी शून्यवादिनः पश्यन्त एव सर्व शून्यतां सदर्शनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते, क्या बोलते हैं आप, जो लोग इससे भी एक कदम आगे है मतलब शून्यवादी है, सर्वम शून्यम शून्यम इस प्रकार बोलने वाला, ये तो क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम बोलने वाले हैं, दुखम दुखम तो कमन है परंतु सर्वम शून्य ऐसा बोलते हैं, जे और जो लोग शून्य कोई अधिष्ठान मानते हैं पश्यन्त एव, अब देखो भाष्य का क्या सुंदर पद प्रयोग किया, शून्य को देखते हुए पश्यन्त एव मतलब देखते, ये प्रथम वो वचन भी जे अभी शून्य और जो लोग शून्य को ही अधिष्ठान मानते हैं और उस शून्य को देखते हुए भी सर्वम शून्यतम मतलब सबको शून्यता को प्रतिज्ञा करता है, तो क्या हो गया स्वदर्शनस्य अपि शून्यतां प्रतिजानते, अभी आप मैंने जो देखा वो भी शून्य ही है, वो मतलब सही नहीं है, इसलिए ऐसे ही प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि यदि देखने वाला मैं होता तब तो मैं कह सकता हूँ, तो वो भी शून्य ही है, सर्वम शून्यम बोल अपने अस्तित्व को शून्य बोल रहे, पर तो कैसे तुम्हारा प्रतिज्ञा तुम्हारी वाक्य सिद्ध कैसे होगा,
इसीलिए बोलते हैं स्वदर्शनस्य अपि, अपने सिद्धांत को, अपने बात को, उसको भी एक, उसका भी शून्य ही है, वो भी शून्य है प्रतिज्ञान, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। ते ततो अभिशासिकतना, ये तो विज्ञानवादी से भी अधिक हिम्मत वाले हैं। खम मुष्टिना अपि दिक्षिक्षन्ति, वो तो आकाश को अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं, आकाश को अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं। जी ग्रीक्षति, ग्रहण करना, ग्रहण आता है उसको खा हो जाता है, ये ग्रहण का आकाश को मुट्ठी में ग्रहण करना चाहते हैं। अगर इसलिए बुद्ध भगवान भाष्यकार की देखो दूसरे वाद का शास्त्रार्थ करते हुए मजे मजे के शब्द लिखते हैं, मजे मजे के शब्द का पढ़ने बात चलेगा। एक श्लोक आया है, यदि कभी मनुष्य शुभ में यदि कभी आकाश को चर्म की तरह लिपट सकते हो श्वेत शुभ शुभ मानव तदा ज्ञानम बिना भी मुझे, तब मनुष्य ज्ञान के बिना भी मुक्त हो सकता है। श्वेता शुक्र उपनिषद के शंकर भाष्य है या उपनिषद में ही, उपनिषद में लिखा हुआ है, उपनिषद के श्लोक है ये। यदि कभी मनुष्य आकाश को कपड़े की तरह लपेटना संभव होगा, यदि कभी ऐसा होगा तब मनुष्य ज्ञान के बिना मुक्त हो सकता है। मतलब क्या मतलब ज्ञान छोड़ के मुक्ति असंभव है। हाँ मतलब आकाश को कभी कपड़े की तरह लपेटना संभव ही नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान के बिना भी मुक्त होना संभव नहीं है। यदि कभी यदि कदापि आकाशम चर्मवत वेष्टित शक्य थे क्षेत्र शुद्ध लास्ट लास्ट की तरफ है श्लोक, अगर मनुष्य ज्ञान में बिना भी मुझे ऐसा भी श्लोक है, लास्ट लास्ट की तरफ ही है। यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसके पहले का श्लोक पहले होगा वो क्षेत्र शुद्ध। उसके एक दो श्लोक पहले है वो, यथा मुष्टिना दिग्रीक्षा, उसका पहले देखिए है यदा चर्म बदा आकाशम विष्टिष्यन्ति मानवः, मनुष्य उसको पकड़ने में समर्थ हो जाएगा, तदा देवं अभिज्ञायम, हाँ उस आत्मदेव को बिना जान कर ही दुख शांत भविष्य, दुख शांत भविष्य मतलब मुक्त हो जाएगा। देखो उपनिषद का श्लोक नहीं है, भगवान भाष्यकार का नहीं है, शरद सूत्र उपनिषद का, ये कभी होना संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति होना संभव नहीं है, ज्ञान के बाद जीवन मुक्त पुरुष कैसे व्यवहार करेगा वो अलग है, वो तो अपने अपने प्रणत अपने अपनी भावना के ऊपर होता है, परंतु ज्ञान के बिना मुक्ति। तो योगी लोग और कर्मी जो है मतलब जो निष्काम कर्मी उन लोग को भी ज्ञान है, उसके बाद वो यथार्थ निष्कामता ज्ञान के बाद ही हो सकता है, यथार्थ योग योग वैराग्य के बिना थोड़ा संभव भी नहीं है। अब जब आपको ज्ञान हो गया तब और फिर तब उसके लिए साधन रूप नहीं रहेगा, वो जीवन मुक्त पुरुष के कुछ शरीर का कर्म प्रदत्त होगा वो रह जाएगा। ज्ञान के बाद आप फिर किस लिए साधन कर रहे थे, साधन इसलिए करता आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए। सभी व्यक्ति कोई भी कुछ प्रयास करता है, क्यों प्रयास करता है, आनंद के लिए सुख के लिए। जब उस व्यक्ति का उस आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो गया फिर वो कुछ करने का अपना संकल्प तो नहीं करता। हाँ प्रसाधन अवस्था में जो कुछ करते थे यदि उसका अभ्यास वशात होता है उसको रोकता भी नहीं है, क्योंकि रोकने के लिए उसको संकल्प है, मन नहीं है ऐसा। रामकृष्ण बोल रहे शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु विद्या का हामी भक्ति का हामी रख दिया, बिना उसके बिना काम नहीं होगा। इसको हमारे हमारे शब्द में उसको बोलते हैं तुला विद्या, एक है मूल अविद्या आनंद के लिए, जिसको तुला अविद्या होगा, मूल अविद्या नाश हो गया मतलब जीवन मुक्त अवस्था में मानव कल्याण के लिए स्वामी विवेकानंद भी ऐसे उतना पीछे क्यों जाने हैं कि जीवन मुक्त अवस्था में मानव कल्याण के लिए सिस्टर ने उस शरीर से जो कर्म का विधान कर रखा उस कर्म को करने के लिए जितना शरीर अभिमान चाहिए उतना बचा के रखते हैं, रखते हैं इसके लिए होगा नहीं। ये है यहाँ पे तो ये हो गया कि तत्व अभी साहसिक तरह खम पुष्टिना अपनी जिघ्रिंशंति, वो उससे भी अधिक हिम्मत वाले हैं, वो आकाश को भी अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, मुट्ठी में ग्रहण करना चाहते हैं। अब छः नंबर टिप्पणी इस पन्ने में है ना, अत तो पढ़ लिया था इस पन्ने वाला छः, अत दर्शन अनुहन, और इस पन्ने में छः नंबर देखिए स्वदर्शन स्वशास्त्र से जब सर्वम सुन्न। अब बताओ
तुमने सर्वम शून्यम प्रतिज्ञा कर लो, अच्छा तुम जो बोल रहे हो सर्वम शून्यम, ये भी शून्य है कि नहीं है? सर्वम के अंदर तुम्हारा वक्तव्य आएगा कि नहीं आएगा? मजे का शब्द क्या बोला भगवान वास्तव का, तुम क्या बोला? सर्वम शून्यम, तो सर्वम के अंदर तुम्हारी ये वाक्य भी आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलो। बिल्कुल हम ये बोलते हैं आपका ये वाक्य भी शून्य है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जिसको हम कहना चाहते हैं उसको शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वो नहीं आ जाता था, बोलो ना ऐसे हिम्मत करके, क्योंकि जिसको मतलब वो सुनना मतलब कुछ है नहीं ऐसा सोच रहा था, मतलब हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कि नाम रूप रूपात्मक रूप में उसको नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सुनना जैसा प्रतीति होती है, हमारे यहाँ सब पूर्ण है, हाँ हमारे यहाँ सब पूर्ण है, तो इसलिए वो हमारे भाषण करके बोलते हैं कि ये जो है बौद्ध कभी ऐसा नहीं बोल सकता, उनको अनुजाई लोग जो है इसको ठीक से नहीं समझ पाने के कारण हमारे, क्योंकि हमारे दशावतार में भगवान बुद्ध का अवतार माना गया है, भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसलिए हमें महापुरुषों से विरोध नहीं है, उनके कोई भी महापुरुष कहीं भी सत्य का अनुभव किया, एक ही सत्य का अनुभव किया, परंतु उसके समझने में दूसरा वाला समझना जो बुद्ध का बाद पुराण में बुद्ध को एक विष्णु का अवतार माना है, बुद्ध ने वेद को अस्वीकार किया, ये सब हो रहे थे तब हिंदू लोग देखा जे ये अलग कुछ हो जाएगा तो उसको भी एक भगवान बना, तो इट वाज लेटर, मतलब बुद्ध का पहले से ही बोला नहीं, ये एक थ्योरी है, सही मैं नहीं जानता हूँ, तो बुद्ध का जीवन जो देखता है और उनका जो उपदेश दिखता है तो उसमें वहाँ पे तो बिल्कुल इसमें सिद्धांतों से कोई विरोध नहीं है, उनके जीवन सिद्धांत के विरोध नहीं है, बाद में जो संघर्ष टूटा क्यों, जब वो माताओं को सन्यासी बना करके एक साथ रखी था बौद्ध संघ तो बिखरने लगा, तब बुद्ध का एक स्टेटमेंट है बोला अगर माता लोग को नहीं देता तो हमारा धर्म 1000 वर्ष चलता, अभी माता लोग दे रहा हूँ सिर्फ 500 साल रहे और उसके बाद फिर हम जन्मेंगे, ठीक है ना महापुरुष, आप ही विषय में आप जो है ठीक करना, देखिए 6 नंबर टिप्पणी इस पर, इस पढ़ने में साहस्ते अपनी स्वदर्शन मतलब स्वशास्त्र अपने सिद्धांत का और साहस का तरह तरह प्रथम मतलब तुलना करते हैं ना, वो विज्ञानवादी बौद्ध से मतलब वो तो आकाश में चिड़िया की पदचिन्ह देखते हैं, ये तो आकाश को ही उखाड़ना चाहते हैं, जो आकाश कहीं उखाड़ना चाहते हैं, सबसे बोलते हैं निस्वरूप शास्त्रादी नाम निस्वरूप साधक, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निस्वरूप साधक मतलब वो स्वरूप को ही नहीं निश्चित कर देता है, अपना स्वरूप को भी निश्चित निस्वरूप साधक, साधक शास्त्र दूसरा है, साधक पहले है निस्वरूप शास्त्रादी नाम निस्वरूप साधक, तो क्या है शास्त्र ही तुम्हारा शासनात्रायति शास्त्र, परंतु वो शास्त्र क्या कोई मान्य आधार के ऊपर नहीं है, परंतु क्या जगह निस्वरूप साधक मतलब शास्त्र की कोई स्वरूप तुमना मतलब पारमार्थिक कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं कर पाएगा, इसलिए भाष्यकार बोले ना कि जो तुम बोल रहे सर्वम शून्यम तो तुम्हारी इस कथन में भी शून्यता रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब क्या निश्चय हो जाएगा उस कथन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और देखिए शास्त्रार्थ करने जाते हैं यहाँ, शास्त्रार्थ करने जाते हैं जो आप बोलते हैं, आप यदि आप क्षणिक है जो ज्ञाता यदि क्षणिक होगा तो शास्त्रार्थ कैसे करेगा, उस वादी ने क्या बोला वो सुन करके धारण करने वाला कौन होगा, कौन है आप उसका उत्तर देने का अलग क्षण, यदि इस प्रकार से तुम्हारी क्षणिक विज्ञान बात जो है किसी भी तरह से घटती नहीं है, बंधन कौन अनुभव करेगा, मुक्ति कौन अनुभव करेगा, शास्त्रार्थ करने जाओगे किसको कुछ समझाओगे शिष्य को समझाओगे, जिसका आपके पास आया था गुरु जी मेरे को मुक्ति को उपाय बताइए, वो तो रहा नहीं, अब मुक्ति को उपाय किसके बताओ, इसीलिए ये जो क्षणिक विज्ञान, हाँ वृत्ति में बदल हो तो हम मानते हैं, मतलब एक स्थायी स्थिर करता अंदर विद्यमान समझने वाला साक्षी पोच को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, आप टीका में आ जाइए, टीका का क्या बोलते हैं जो प्रज्ञाप्ति वहाँ हो गया था थर्ड लाइन पे ना फिफ्थ लाइन ऊपर इसका थर्ड लाइन तत्व बाह्यार्थवादिनो बाह्य अर्थ
विज्ञानवत् अस्ति इति पक्ष प्रतिषेध मुखेन प्रवृत्तम् तत्पुनर आचार्येन भवति एव भवतु एवम् इति अनुज्ञातम् बाह्यार्थवाद दूषणस्य सम्मते अपि सम्मतत्वात् इति आह। जो प्रज्ञाप्य स्वनिमित्तत्वम विवर्तन वहाँ पे भाष्यकार प्रज्ञाप्य स्वनिमित्तत्वम इत्यादि तदंतोषिका तच्च बाह्यार्थवादिन बाहरी विषय है उनका खंडन। इस प्रकार बोलने वाले पक्ष का बाह्यार्थ विज्ञानवान अस्ति इति पक्ष तो क्या हो जाएगा, लेकिन जो विज्ञान को मानते हो तो बाहरी अर्थ भी है और बाहरी विषय, यदि बाहरी विषय नहीं है तो बाहरी विषय का ज्ञान भी नहीं होगा। इसी अर्थ बोलते हैं बाह्यार्थवादिनो बाह्यार्थ विज्ञानवान अस्ति इति पक्ष। आप बाह्यार्थ का नहीं बोलते, जैसा तुम्हारे विज्ञान है वैसा हमारे बाह्यार्थ भी है। विज्ञान पर बोलते हैं कि नहीं नहीं बाह्यार्थ नहीं है विज्ञान है, तब वो क्या बोलते हैं ये तो हो नहीं सकता, ये हम अनुमोदन करते हैं। इसलिए विज्ञानवत् अस्ति इति पक्ष प्रतिषेध मुखेन प्रवृत्तम, इस प्रकार उस पक्ष को निषेध करने के माध्यम से प्रवृत्त तत्पूर्ण आचार्य जो ये जो विज्ञानवादी बोध हो बाह्य अस्तित्व वाद को खंडन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे उस पक्ष को आचार्य हमारे हमारे गौरवद आचार्य ने भवतु एवं ठीक है ये ऐसा मान सकते हैं कि भारी वस्तु है इति अनुज्ञातम, इस प्रकार अनुज्ञान मतलब अनुमति दिया। बाह्यार्थवाद दूषण से समाते अपनी क्योंकि बाहरी वस्तु पारमार्थिक नहीं है ये हमारे सिद्धांत का अनुसार भी है, इसलिए बाह्यार्थवाद दूषण से समाते अपनी सम्मतत्व तो हम इसके साथ वह वाद सम्मत है ये आ बाह्यार्थवादी। इसलिए भाटिका में तो बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध परम आचार्य न अनुमोदित, बाह्यार्थवादी को खंडन करने के लिए जो विज्ञान वाली जो सिद्धांत अथवा जिस युक्ति को अपनाया था वो हमारे आचार्य ने उसको अनुमोदन कर दिया। अच्छा भाई आगे बोलता है बाह्यार्थवाद दूषण अनुमोदन प्रयोजन आह, ये बाह्यार्थवाद को दूषित करने का प्रयोजन, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा हमारा सिद्धांत का, तो उसके बोलते हैं कि समझ में आया बाह्यार्थवाद को दूषण करने से वेदांतियों का क्या सिद्धांत क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तब बोलते हैं तदेव हेतु कृता, उस जिस युक्ति के द्वारा आपने बाहरी अस्तित्व को खंडन किया था उसी युक्ति को ही अपना हेतु बना करके उसी को हेतु बना करके तत्पक्ष प्रतिषेधन है मतलब उस विज्ञानवादी पक्ष को प्रतिषेध करने के लिए ये कहा जाता है। इस देखिए असत्य एक घटा दो क्या बोलता था, घट नहीं होते हुए भी घट की प्रतीति होती है, कौन बोलता है विज्ञानवादी घट है तो असती एव घटादो घटादि आभासत्वं विज्ञानस्य यद उक्तम, ये घटादि आभास है विज्ञान का है विज्ञान उसी रूप में तद एव हेतुत्वेन उपादाय, उसी को ही हेतु रूप में ग्रहण करके आठ नंबर टिप्पणी देखिए सात नंबर टिप्पणी कहाँ शुरू किया ऊपर क्या है सात नंबर टिप्पणी अभिदत्त अभ्युगम ये पढ़ लिया था ऊपर पहले वाले का था ऊपर लिया था हेतुत्वेन उपादाय आठ नंबर टिप्पणी देखिए हेतुत्वेन उपादाय तथा च अयम प्रयोग देखिए उनका ये अनुमान है विज्ञानस्य जन्मादि आभासत्वं विषय अनपेक्ष विषय अनपेक्ष आभासत्वात् विषय अनपेक्ष आभासत्वात् घटादि आभासत्वात् ये अनुमान है। जिस अनुमान के द्वारा तुमने विज्ञान बाह्य अस्तित्ववादी को खंडन किया था उसी को ही हमने हेतु बनाया, उसी को हेतु बनाया तो उसको बोलते हैं देखो तथा च अयम प्रयोग, इसको इस अनुमान के द्वारा समझ सकते प्रयोग अनुमान विज्ञानस्य विज्ञान मतलब चित्त है ना विज्ञान का विज्ञानस्य जन्माद्य आभासत्व जन विज्ञान मतलब घट ज्ञान पढ़ ज्ञान पढ़ ज्ञान उत्पन्न होता है ना वो एक आभास मात्र है क्यों विषय अनपेक्ष आभासत्व विषय के बिना ही वो प्रतीति होने के कारण। इस प्रकार स्वप्न में वस्तु हमें दिखाई पड़ते हैं सामने की वस्तु नहीं होते हुए भी प्रतीति होती है जब हम कहते हैं मतलब वास्तविक वहाँ पे विषय भी नहीं है और उस विषय का भी जो ज्ञान हुआ वो भी झूठ है वो पारमार्थिक नहीं है। इसलिए होते हैं यहाँ पे कि विषय अनपेक्षमान अनपेक्षम आभासत्व घटादि आभासत्व जिस प्रकार घट 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 दिखाई जब देते हैं वो घट आभास है घट नहीं है, इसी प्रकार घट ज्ञान भी एक आभास है वो घट ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है ठीक है ना ये अनुमान है। जिस प्रकार घट के तुम आभास मानते हो तो एक समझने के लिए असल समझ में आता है ये चीज, जिस प्रकार तुम घट को एक आभास मानते हो तो घट ज्ञान भी एक आभासी ज्ञान होगा जैसे स्वप्न में तुमको दिखाई पड़ते हैं, वस्तु भी नहीं होता वस्तु का ज्ञान भी पारदर्शी नहीं होता।
हेतु मतलब जिस हेतु को तुमने बाहरी अस्तित्व तो नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए जिस हेतु को आपने दिए थे उसी हेतु को ही मैं आपके पक्ष विज्ञान भी नहीं है यहाँ कहने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए बताया तथा विज्ञान ये हो गया पक्ष जन्माद्य आभास विज्ञान को खट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ये उत्पन्न होता है ये एक आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि विषय अनपेक्ष आभास बिना विषय के उसकी प्रतीति होने के कारण ठीक है। बिना विषय आभास मतलब विषय अनपेक्ष मतलब विषय का अपेक्षा के बिना ही प्रतीति होने के कारण वो भी एक आभास है। जैसे तुमने क्या बोला ऐसे घट नहीं होते घट दिखाई पड़ता है वो आभास इस पर घटादि आभास घटादि आभास जैसे एक आभास है इसी प्रकार घट ज्ञान भी एक आभास है इसलिए विज्ञान भी एक आभास है यही तुमको मानना पड़ेगा। तुम्हारे युक्ति हेतु तेरे उपाधाय विज्ञानवाद निषेधार्थ विज्ञानवाद को निषेध करने के लिए बाह्यार्थ पक्ष दूषण अनुमोदित आपने बाह्यार्थ पक्ष दूषण का अनुमोदन क्यों किया? आपके आचार्य गौरवादाचार्य ने विज्ञानवादी बौद्ध ने बाहर बाह्य वास्तित्ववादी को पक्ष को खंडन कर रहे हैं इसको गौरवादाचार्य अनुमोदन क्यों किया? क्योंकि विज्ञानवादी पक्ष को खंडन करने के लिए उसी को युक्ति को लगाने के लिए तीसरा अनुमोदन किया बस वास्तविक हमारा वो पक्ष नहीं है पर तुम्हारे सिद्धांत अनुमोदन करता है क्यों तुम्हारी डंडा तुम्हारे ऊपर चलाएंगे इसीलिए असत्य घटा दो घटादि आभासत्व विज्ञान से जब उत्तम तदेव हेतु तेन उपादाय अनुमान के माध्यम से दिखाया कि जो जो विज्ञान जो है वो जन्मादि आप उस विज्ञान की ज्ञान भी एक आभास मात्र है क्योंकि विषय की अपेक्षा बिना ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार घट की ज्ञान घट वस्तु वो भी बोल सकते हैं विज्ञानवाद निषेधाय बाह्यार्थ पक्ष दूषणम अनुमोदितम इति अर्थ। अब जो ये तो हो क्या संप्रति विज्ञानवाद दूषणम अवतार अब जो है विज्ञानवाद के दूषण कैसे करेंगे उसी को युक्ति के द्वारा करेंगे इसलिए संप्रति विज्ञानवाद दूषणम अवतार तद इदम उच्यते उसी को यहाँ पे श्लोक के द्वारा कहा गया है क्योंकि जैसा तुमने कहा वैसे ही तुम्हारे सिद्धांत भी तुम्हारे युक्ति से खंडन हो जाता है इसलिए दसमाद इत्यादि न तद इदम उच्यते उसी को कहा जाता है दसमाद इत्यादि श्लोक को लेकर जो होते हैं दसमाद इत्यादि व्याजष्टे क्योंकि जब तद संबंध तो तस्मात बोलने के लिए कोई जस्मात से शुरू कर क्योंकि यहाँ पे आपने कहा इसलिए बोलते हैं तस्मात इत्यादि तस्मात श्लोक करते तो व्याख्या करते हैं जस्मात असत्य को घटा दो घट नहीं होते हुए भी भाषण में घटादि आभाषा चित्त विज्ञानवादी ने अभ्युपगता तद अनुमोदित अस्माभि अपि भूत दर्शनात् तुम तो युक्ति के द्वारा कहा तथा हम उसको अनुमोदन कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए टीका का लिख रहे हैं भूत दर्शनात् घटादि मृदादि मात्रत्वम भूत भूत वस्तु तत्त्वम तस्यापि विज्ञप्ति मात्रम तत्त्वम तस्य शास्त्रत दर्शनात् इति जावत। देखिए अब क्या बोलता है भूत दर्शन हमने पहले बोल कर कहा तुमने युक्ति दर्शन हमने बोला भूत दर्शन घटादि मृदादि मात्रम घट क्या जो आपको दिखाई पड़ता है वो क्या है मृत मात्र है मृतिका मात्र है मृतिका इत्येव सत्त्वम। अब मृतिका भी क्या है पृथ्वी रूप है पृथ्वी क्या है जल रूप है जल क्या है तेज रूप है तेज क्या है वायु रूप है वायु क्या है आकाश रूप है आकाश क्या है सद रूप है सदैव सद रूप है इसलिए इस प्रकार से आप वो सत्य ही उस रूप में दिखाई पड़ता है ये शास्त्र दर्शन है शास्त्र दिखाया कि भूत दर्शना घटादे मृदादि मात्र भूत वस्तु तत्व तस्यापि विज्ञप्ति मात्र वो भी क्या है वो जो आपको मृतिका में लाया सारा मृतिका के विकार को आपने मृतिका में लाया और फिर मृतिका भी क्या है वो सतरूप है इसलिए विज्ञप्ति मात्र तत्व तस्य शास्त्र ये कैसे पता लगा आपको शास्त्र से पता लगा युक्ति का तत्पर नहीं है ना। मैं पहले बोलती बोलते रज्जु को हमने सर्व रूप में देखा और शास्त्र क्या देखा तो जो रज्जु भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो भी तंतु से भिन्न कुछ नहीं है अंश तंतु अंश से भिन्न कुछ नहीं है अंश एक पृथ्वी का विकार है पृथ्वी तत्व में पहुंच जाएंगे वेदांतिक लय प्रक्रिया यही है। यहाँ पे देखिए सात और आठ नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है इसको छोड़ देंगे सात नंबर तस्यापि विज्ञप्ति मात्र तत्वमिति विज्ञान व्यतिरेक तस्वीर अनुपलम्भा इति अर्थ विज्ञान के बिना उसका उपलब्धि नहीं इसलिए
ब्रह्म एव इदम सर्वमित्ता शास्त्राच इतिहासास्त्र सर्वं खलु इदम ब्रह्म आत्मा एव इदम सर्व ब्रह्म एव इदम सर्व पुरुष एव इदम विश्व। इस प्रकार से एक वाक्य नहीं है, सतश कई जगह पर कहा गया। इसलिए विज्ञान मात्र या आत्मा मात्र, इससे फिर तो कुछ नहीं है। अब यही पे रखते हैं, कोई दूसरा कल करेंगे। पहला बात हो गया, केवल पहला बात के ऊपर इतना है, चित्त दिशा न जाए तस्मा न जाए ते चित्त इतना हो कल से देखेंगे। अब तीसरा होते हैं घोरे अशक्तिनाग्रा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावैर्नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं महाराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योममद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।